left. Welcome back to my channel and I'm back with another vlog. And मैं पहुँच गई हूँ पटना and मैं पहुँच गई हूँ कवर करने इस बार के बिहार फोटो एंड वीडियो एक्सपो को, जो कि स्पेशली होता है लाइक फॉर ऑल द क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स के लिए. एंड इसके बारे में लास्ट मंथ ही मुझे पता चला था. एक्चुअली मुझे इन्विटेशन मिल चुका था एंड मुझे पता था कि ये होने वाला है 14, 15 and 16th ऑफ अक्टूबर को. सो मैं आज पहुँची हूँ 15th ऑफ अक्टूबर को यहाँ पे. एंड यस, बहुत ही अमेजिंग. एंड मैं ये सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक ये तीनों दिन रहने वाला है. सो मैं ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 2 PM हो रहा होगा, मैं इस बजे पहुँची हूँ. एंड काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है, ये ज्ञान भवन में लगा हुआ है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह पे यू नो फोटोज़ क्लिक करने के लिए बहुत ही अमेजिंग बनाया गया है. एंड जितने भी क्रिएटर्स हैं, आई थिंक आप सबको आना चाहिए. जितने भी बिहार के क्रिएटर्स हैं आना चाहिए. अगर आपका इस बार मिस हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हर साल लगता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर लगता है तो आपको फिर से आना चाहिए. वैसे हम लोग, मैं यहाँ पे पीछे घूम के अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ा सा लाइक एंट्री गेट पे बहुत बड़ा यू नो सोनी का कैमरा बना हुआ है और वहाँ से एंट्रेंस है. अब हम अंदर चलते हैं, फिर अंदर के पूरे एरिया को कवर करें. सो गाइज, मैं अंदर आ चुकी हूँ एंड यू नो मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी होता है, रजिस्ट्रेशन काउंटर है. बिकॉज मैं कंफर्म नहीं थी आना है या नहीं, तो मैंने अभी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाया है. एंड आई थिंक दिस इज स्टिकर बिहार फोटो वीडियो एक्सपो 2022 का. एंड हम अंदर आ चुके हैं. सच में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हैं अलग अलग जगह से, नॉट ओनली फ्रॉम पटना. लाइक मैं जैसे मुजफ्फरपुर से आई हूँ, वैसे बिहार के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं. एंड मेरे पीछे देख सकते हैं, आई लव सोनी. सो मेरे पास भी फ़िलहाल कैनन का कैमरा है, बट येस बहुत जल्दी मैं भी सोनी का कैमरा ज़रूर लूँगी, बिकॉज सोनी इज़ लव गाइज. थैंक यू सो मच. एंड इनके चैनल ब्लॉग्स का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. सो सपोर्ट कीजिए जितने भी क्रिएटर्स हैं. एंड थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. बॉक्स है मैम ये. ओके okay. इसमें पेन ड्राइव आप दे सकती हैं, इसमें मल्टीपल यूज है, पॉइंट डाल के दे सकती हैं. ओके सो गिफ्टिंग के लिए, गिफ्ट के लिए है, ड्राइव फ्रूट वगैरह डाल के दे सकती हैं. और फोटोग्राफर लोग इसको पेन ड्राइव चिप वगैरह डाल सकते हैं. इसको इतना बड़ा है कि एक एक चीज़ कवर करना बहुत ही मुश्किल था, बट मैं ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आई. तो यहाँ पे एम ई डिजिटल है, जहाँ पे मुझे ना ये थोड़ा यूनिक लगा. एंड मैंने यहाँ की मैम से पूछा, ये सब बॉक्सेस हैं जिसमें लाइक फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स हमारे जैसे के लिए हमें डेटा स्टोर करना होता है पेन ड्राइव में या फिर मेमोरी कार्ड.
स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें आपको लाइक गिफ्टिंग के लिए गिफ्ट आइटम में जा सकते हैं, तो उसके लिए आप स्टोर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये काफ़ी यूनिक है। बड़े बड़े साइजेस में क्या है मैम? ये एल्बम बॉक्स है। ओके, एल्बम बॉक्स है। सो गाइस, शादी वादी की जो एल्बम बनती है उसको इसमें आप रख सकते हैं। एंड इसकी बाहर की जो है ना, यहाँ पे गणेशी का बना हुआ है, इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यहाँ पे बने हुए हैं। ये हमारा कार्ड बॉक्स है, इसमें कार्ड डाल करके शादी का और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो समधी हैं, उनको हम गिफ्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इसका। फोटोग्राफर अपने आप में एक किंग है, राजा है, अगर उसे उसका मेहनताना समय पर मिल जाए। रखने का मौका मिला, हालांकि मैं शुद्ध रूप से बिहारी हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई मुजफ्फरपुर